मैं वोटिंग करते आ रहा हूँ 50 साल से, लेकिन ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम सबको वोट करना चाहिए। नहीं, हमारे को तो कर्नाटक में बहुमत आएगा, ऐसी आज रिपोर्ट मुझे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने दिया। कैसा लगा? हमेशा मैं वोटिंग करते आ रहा हूँ 50 साल से, अब नेचुरली जैसा ये रूटीन कोर्स मेरे लिए, लेकिन ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम सबको वोट करना चाहिए, क्योंकि भारी संख्या में अगर आप वोट करेंगे तो सरकार के विचारों को बदलने के लिए आपको भारी संख्या में वोट करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर लोग उसको बहुत इजी लिए और बाद में पछताए ये हमारा गलती हो गई, तो हर टाइम अगर गलती हो गई बोल के हम करते जाएंगे तो डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मैं पहले भी अपील किया हूँ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जाकर वोट डालिए और डेमोक्रेसी को जीतने के लिए जो कुछ भी संख्या बल होना वो दीजिए। नहीं, हमारे को तो कर्नाटक में बहुमत आएगा, ऐसी आज रिपोर्ट मुझे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने दिया और दूसरे लोगों ने भी ये कहा कि हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक में और जो साउथ कर्नाटक का है वहाँ पर भी अच्छी स्थिति है। अब बेंगलोर में वो लोग देख रहे हैं कि वहाँ की स्थिति जरा टफ हो गई थी, लेकिन अब जो हमको डाटा फाइनल मिलेगा तब पूरा मालूम होगा। मोदी जी डाटा नहीं दे रहे, पहले ऐसा होता था कि लोग इमीडिएटली डाटा देते थे, सर्टिफिकेट के साथ ही लोगों को ये मालूम होता कौन कितने वोट से जीता और कांग्रेस को कितने वोट इसमें मिले, लेकिन वो सब आज सी क्विक एक्ट नहीं कर रही, 11 दिन 15 दिन के बाद ये डाटा देती है, मालूम करती है, इससे बहुत बड़ा नुकसान दिखता है और लोग भी बहुत ही सस्पिशन के साथ देखते हैं, इतना देरी क्यों, इसको क्या वजह है। इसीलिए हमको ये ज़रूरी है कि सीसी इमीडिएटली इसको वो डाटा दे।